Hello students, today we will going to talk about plants, our EVS chapter 3. There are plants all around us. Plants are of different shapes and sizes. Plants हमारे हर तरफ होते हैं और ये different shape और size के होते हैं. Plants are fixed in one place. ये एक ही जगह पर fix रहते हैं. They make their own food. वे अपना खाना खुद बनाते हैं and are useful to us और हमारे लिए उपयोगी होते हैं. दे गिव अस मेनी थिंग्स लाइक फूड एंड क्लोथिंग. वे हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं जैसे कि फूड और क्लोथ्स. दे मेक अवर एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल क्लीन एंड हेल्प अस टू ब्रीथ. वे हमारे एनवायरनमेंट को ब्यूटीफुल बनाते हैं, क्लीन यानी साफ करते हैं और हमारे सांस लेने में हमें मदद करते हैं. काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स. ट्रीज वेरी स्ट्रॉन्ग and tall plants are called trees. They can live for many years. Apple, mango, banyan, coconut, gulmohar, peepal are the example of trees. Number second is shrubs. Shrubs are smaller than trees. They have a woody stem and hard stems. Rose, hibiscus, jasmine are the example of shrubs. Shrubs can live फॉर अ फ्यू ईयर्स. ये बहुत ही कम सालों के लिए जिंदा रहते हैं. हर्ब्स वेरी स्मॉल प्लांट आर कॉल्ड हर्ब. जो श्रब्स में छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं. दे कैन लिव ओन फॉर ओनली वन सीजन. ये सिर्फ एक सीजन के लिए ही जिंदा रहते हैं. टोमेटो, मिंट, कोरिएंडर आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स. वी कैन ईट देयर स्टेम टू. हम मिंट और कोरिएंडर की स्टेम भी खाते हैं. तो हर्ब्स की जो स्टेम्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि हम उन्हें खा भी सकते हैं. अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्लाइंबर्स. सम प्लांट्स दैट नीड टू सपोर्ट फॉर ग्रोइंग. कुछ पेड़ों को बढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए कुछ सपोर्ट की, सहारे की ज़रूरत होती है. मनी प्लांट, पी प्लांट एंड ग्रेप वाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स. मनी प्लांट, पी प्लांट और ग्रेप वाइन एक ऐसे पेड़ हैं जिन्हें नीड होती है किसी भी वुडी स्टैम की अलग से, या एक कोई पेड़ हो उनके सारे ये आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनकी जो स्टैम होती हैं वो बहुत ही वीक होती हैं और ये किसी का सपोर्ट ही चाहती हैं आगे बढ़ने के लिए. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्रीपर्स. Plants that have weak stems but they grow along the ground because their fruit are very heavy. जो plants ज़मीन में होते हैं लेकिन उनकी जो stem होती हैं वो weak होती हैं, लेकिन वो ज़मीन के चारों तरफ उगते हैं क्योंकि उनके fruits होते हैं, उनके जो vegetables होते हैं वो बहुत ही heavy होते हैं. Plants like pumpkin, watermelon, muskmelon, gourd are the example of creepers. Pumpkin, watermelon और muskmelon, gourd ये सारे fruits और vegetables होते हैं. ये plants ground के चारों तरफ उगते हैं, इस ऊपर नहीं जाते क्योंकि इनका जो fruit होता है वो heavy होता है, इसलिए वह अपनी stem के साथ ज़मीन पर ही रहता है. तो ये हमारे कुछ examples थे plants के. प्लांट्स कैन ग्रो एवरीवेयर. इनके हैबिटेट के हिसाब से हम इन्हें दो टाइप्स में बांटते हैं. नंबर वन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड, जो ज़मीन पर ग्रो करते हैं उन प्लांट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लांट दो तरह के होते हैं, डेजर्ट प्लांट, दूसरा हिल्स और फॉरेस्ट प्लांट्स. डेजर्ट प्लांट्स रेगिस्तानी प्लांट्स होते हैं जो पानी बहुत देर तक स्टोर करके रखते हैं, और हिल प्लांट्स होते हैं वे कॉनिफेरस प्लांट होते हैं जो अपने ऊपर बर्फ को ठहरने नहीं देते और उनकी जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक होती हैं. नंबर सेकंड एग्जांपल इज एक्वाटिक प्लांट. एक्वाटिक प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर या पानी के आसपास पाए जाते हैं. तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे इनके हैबिटेट्स के हिसाब से. अब हम इनकी विशेषताएँ पढ़ेंगे. प्लांट्स की क्या क्या यूजेज होते हैं. यूजेज ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स गिव अस फूड. प्लांट हमें फूड देता है, यानी हम इसका प्लांट से हमें खाना मिलता है. वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरल्स एंड पल्सेस फ्रॉम द प्लांट्स.
हम प्लांट्स से क्या कहते हैं? हम प्लांट्स दालें, अनाज, वेजिटेबल्स, सब्जियां और फल लेते हैं। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है। वी ब्रीथ ऑक्सीजन एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। प्लांट गिव अस फाइबर, प्लांट्स हमें फाइबर यानी कि रेशे देते हैं जिससे हम क्लोथ्स बनाते हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि कॉटन, जूट, लिनन, ये हमारे एग्जांपल हैं जो क्लोथ बनाने में काम आते हैं। नंबर 4, प्लांट यूज फॉर कुकिंग ऑयल। प्लांट्स जो है वो कुकिंग ऑयल के लिए काम होता है, जैसे कि ग्राउंडनट, मस्टर्ड, इन्हें हम क्रश करते हैं और इसमें से हम ऑयल को निकालते हैं। इनसे हम अपना फूड मेकिंग करते हैं यानी हम खाना बनाते हैं। दे गिव अस वुड, प्लांट्स से हमें वुड मिलती है जिससे हम फर्नीचर्स बनाते हैं। प्लांट गिव अस मेडिसिन, प्लांट्स से हमें मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं जैसे कि तुलसी, नीम, यूकलिप्टस, क्लोव्स। ये हमारे क्या और कौन से प्लांट्स हैं? हमारे वो प्लांट्स हैं जिनसे हम मेडिसिंस बनाते हैं। प्लांट्स आर यूज टू मेक परफ्यूम्स, प्लांट्स बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे हम परफ्यूम बनाते हैं, जैसे रोज और जैस्मिन प्लांट्स, इनसे हम परफ्यूम बनाते हैं। प्लांट्स गिव शेल्टर टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स बर्ड्स और एनिमल्स को शेल्टर देता है जैसे स्क्वायरल, मंकी एंड इंसेक्ट्स। ये सब कहाँ रहते हैं? ये प्लांट्स के अंदर ही रहते हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर 3 प्लांट्स का ख़त्म हुआ। इसमें हमने यूजेस ऑफ प्लांट्स पढ़े, काइंड्स ऑफ प्लांट्स पढ़े और प्लांट्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ये हमने रीड किया।